वेलकम टू माई किचन। आज मैं बॉम्बे पोटैटो बनाने जा रही हूँ। चलें शुरू करते हैं। मैंने दो कलर यूज़ किया है कैप्सिकम का। अगर आप चाहें तो एक ही कलर यूज़ कर सकते हैं। हमने हाफ हाफ लिया है। बॉयल्ड आलू को मैंने डीप फ्राई कर लिया है। टू लार्ज अनियन, उसे चॉप करना है। एक टीस्पून ज़ीरा, करी पत्ता 7 to 8 और एक स्पून राई, धनिया पत्ती कटी हुई और हरी मिर्च कटा हुआ, हाफ टी स्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, 2 teaspoon धनिया पाउडर, 2 teaspoon गार्लिक पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 teaspoon नमक, 1 teaspoon पपरिका पाउडर। चलें शुरू करते हैं। इसमें 6 to 7 टेबल स्पून ऑयल डाला हमने, करी पत्ता डाला, मस्टर्ड सीड डाला और ज़ीरा डाला एंड अनियन डालना है और उसे फ्यू मिनट्स चलाना है। जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे में टमाटर डालना है। टमाटर हमने इसमें डाल दिया। टमाटर गल जाए तो इसमें मसाला डालना है। सभी मसाले इसमें डाल देने हैं। मसाला हमने डाल दिया है। अब इसे पूरी अच्छी तरह इसको चलाना है। मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी भी डालना है जिसके वजह कर वो गल जाए अच्छी तरह से। मसाला गल जाए इसमें अब आलू डाल दें। अब इसमें आलू डाल के अच्छी तरह से चलाएं। आलू जैसे ही गल जाए इसमें कैप्सिकम दोनों तरह का डाल देना है और मिक्स करना है। जैसे ही सब मिक्स हो जाए उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल देना है एंड इसे कवर कर लेना। अब इसे कवर करना है 5 to 7 minutes लो मीडियम आंच पे। अब पूरी तरह गल गए हैं। अब इसे डिश आउट करना है।
गार्निश करने के लिए कोरिएंडर और ग्रीन चिली डालने हैं और इसमें मिक्स कर लें। इसे थोड़ा देर के लिए कवर कर लें, 1 से 2 मिनट्स। इससे ग्रीन चिली एंड कैप्सिकम थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। ये हमारा डिश रेडी है। इसे आप नान या राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर मेरा डिश पसंद आया तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।